मैशल एपिसोड 10 के शुरुआत में ही हमें फिन और डॉट को दिखाया जाता है जो कि लड़ाई के लिए एकदम तैयार थे, और इनका जो ओपोनेंट थी वो और कोई नहीं बल्कि मैजे लुपस की फिफ्थ मेंबर थी जिसका नाम था लव। और उसी तरफ हमें एक अननोन मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक लेटर था जो कि उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि उसे उस बेसमेंट के अंदर ही जाना है, और फिर वो उसी बेसमेंट के अंदर चलने लगता है। और उसके बाद ही लव पूछते कि तो क्या तुम लोग मुझे पसंद करते हो, और ये सुनने के बाद ही वो दोनों कहते कि हैं हम तो लड़ने आए ना, हम तुम्हें पसंद क्यों करेंगे। लेकिन तभी जो वहाँ पे लव थी वो जो डॉट थे उसको मैनिपुलेट करने लगता है और कहता है कि देखो मैं कितना ज़्यादा क्यूट हूँ, तुम मेरे प्यार में नहीं गिरे हो, बताओ बताओ। और ये सुनने के बाद जो डॉट था वो कहता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसी लड़की तो पसंद है। और वो एकदम अपना सर को पीटने लगता है, लेकिन फिर भी वो हाथ जोड़ कर कहता है कि आई एम सॉरी बट मैंने प्लान किया कि मैं लेमन के साथ एंगेज हो जाऊँगा और उसी को शादी करने वाला हूँ, सो सॉरी मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। और ये सुनने के बाद जो लव थी वो एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे लव नहीं करते तो अभी तुम मरो। और अगले ही मोमेंट पे वो अपने मैजिकल स्पेल टॉर्नेजेस का यूज करती है जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा सा टॉर्नेडो जाता है डॉट और फिन की तरफ। जो डॉट था वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्प्लॉम का यूज करता है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि उसका मैजिकल पावर कितना ज्यादा फीका है उस लड़की के मैजिकल पावर के सामने। और उसके बाद जो लड़की थी वो कहती है कि हर लड़की ही एक बॉर्न प्रिंसेस है और तुम लड़कों को उन्हें सर्व करना चाहिए। जो सुनने के बाद फिन और डॉट फिर से काफी ज्यादा डम हो जाते हैं, लेकिन वो जो लड़की थी उसके बाद वो फिर से पूछती है तो बताओ कि अभी तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। लेकिन जो डॉट था वो फिर से माफी मांगता, कहता है कि नहीं मैं लेमन से ही शादी करने वाला हूं। और अगले ही मोमेंट पे वो लड़की फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, और इस बार जो डॉट था वो एकदम उड़ के जाके गिरता है, जिसके बाद जो लड़की थी लव वो एकदम हंसती और कहती है कि पापा ने हमेशा कहा था कि अगर कोई भी लड़का तुम्हें मना करे तो तुम उसे मार सकते हो। लेकिन जो डॉट था वो खड़ा होता है और कहता है कि अगर डैडी ने तुम्हें ये कहा है तो तुम्हारे डैडी को बताओ कि ये एक नॉनसेंस चीज है। और उसके बाद वो एक्सप्लॉम का यूज करता है जिसकी वजह से लव के सामने पूरा धुआं धुआं हो जाता है, और धुआं के बीच से आता है डॉट और वो लव का जो वैंड था जो मैजिकल स्टिक था उसे छीनने की कोशिश करता है। लेकिन जो लव थी वो उसे देख लेती है और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा टॉर्नेडो से वार करता है। वो वार इतना ज्यादा खतरनाक था कि जो डॉट का हेड का बैंड था वो एकदम खुल के गिर जाता है। और उसके बाद लव बताती है कि देखो जो फोर्थ मेंबर है मैजिया लुपस का जिसका नाम है मिलो, उसके पास एक काफी स्पेशल पावर है जिसकी वजह से वो अपना टारगेट को एक पत्थर में बदल सकता है, और उसका टारगेट और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त मशरूम हेड जो कि है मैश। और उसका यह पावर को यूज करने में 2 घंटा ऐसा लगता है। इसका मतलब कि यही है कि तुम्हारे पास और 30 मिनट्स है मेरे को हरा के नेक्स्ट टारगेट जो कि है मिलो उसके तक पहुंचने का, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हारा जो दोस्त है वो एक स्टैचू में बदल जाने वाला है। और उसके बाद जो लव थी वो कंटिन्यूसली अटैक करते रहता है, और जो डॉट था उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। और उसी बीच जो लव थी वो डॉट और मैश दोनों का ही काफी ज्यादा मजाक बनाती है और कहता है कि तुम लोग कितने ज्यादा फनी हो। और उसी तरफ जो डॉट था उसको ढंग से ब्रीदिंग भी नहीं कर पा रहा था और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था। वो एकदम से अपने बचपन के बारे में सोचता है जहां पे हर एक बंदा उसको सिर्फ धोखा ही देता रहता था। और फिर उसका जो सिस्टर थी वो उसे बताता है कि देखो ये सब कुछ एक दिन बंद होगा जिस दिन तुम्हें एक अच्छा और रियल फ्रेंड मिलेगा, एक ऐसा फ्रेंड जो कि तुम्हारे गुस्से होने पर वो भी गुस्सा हो जाएगा, और अगर तुम्हें ऐसा कोई भी फ्रेंड मिलता है तो तुम उसे कभी भी बिट्रे मत करना। और उसके बाद जो डॉट था वो सोचता है कि कैसे सिल्वा ने उसका बुरा हालत कर दिया था मार मार के, इवन जो लड़की थी उसके साथ वो भी उसको कितना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया था, लेकिन उस टाइम सिर्फ एक ही बंदा था जो कि उसका साथ में खड़ा था और उसके बिहाफ में लड़ा था, और वो और कोई नहीं बल्कि मैश है। डॉट को रियलाइज हो जाता है कि उसका जो ट्रू फ्रेंड है वो मैश ही है, और वो मैश को कभी भी बिट्रे नहीं करेगा, वो मैश के साथ कभी भी बुरा होते हुए नहीं देख सकता। और उसके बाद ही जो लव थी वो उसके ऊपर फिर से अटैक करता और कहता है कि अब ये तुम्हारे लिए ओवर होने वाला है, लेकिन जो डॉट था वो उसी जगह पे खड़ा रहता है और कहता है कि ये अभी भी ओवर नहीं है, और स्पेशली उस मोमेंट में तो नहीं जब तुमने मेरे दोस्त का मजाक उड़ाया है। और उसके बाद ही जो डॉट था उसके सर पे एक प्लस का साइन एकदम शाइन करने लगता है। लव फिर से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो डॉट था वो उसको वहीं पे रोक देता है। और फिर जो लव थी वो रियलाइज करता है उसके फोरहेड पे वो साइन, और फिर उसको पता चलता है कि ये तो वही साइन है जो कि कुछ स्पेशल बच्चों के ऊपर होता है, और अगर इनका इमोशन एक सर्टन लेवल के ऊपर बढ़ जाता है तो ये लोग बैटलफील्ड में एक बीस्ट बन जाते हैं। और उसी तरफ जो डॉट था वो पूरे एरिया में एक मशीन गन एक्सप्लॉम का स्पेल कर देता है और कहता है कि अब देखते हैं तुम्हें कौन बचाने वाला है। डॉट उसके ऊपर 100 टाइम्स अटैक करता है, लेकिन इंटेंशनली वो हर एक अटैक को थोड़ा बाहर करता है, जिसकी वजह से जो लड़की थी वो बच जाती है। और जो डॉट था वो कहता है कि मुझे लड़कियों को मारना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो तुम मेरे नजरों के सामने से भाग जाओ। और ये सुनने के बाद जो लव थी वो एकदम
एकदम रोने लगती है और कहती कि थैंक यू और मैं जा रही हूँ। और उसी तरफ जो फिन था वो एकदम सरप्राइज हो जाता है कि डॉट इतना ज़्यादा पावरफुल है, और वो डॉट के पास जैसे ही आने वाला था तभी पीछे से एक बहुत ही खतरनाक सा स्टोन का मॉन्स्टर आता है और वो एकदम फिन के तरफ अटैक करता है। लेकिन जो डॉट था वो एकदम फिन के सामने आता है और उसको वहीं पर रोक लेता है। जो फिन था वो कहता कि डॉट डॉट, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आता है और वो आवाज़ था मिलो का, जो कि था फोर्थ रैंक मैजिया लुपस का मेंबर। और वो लव से कहता है कि ये मेरा ही गलती था कि मैंने सोचा कि तुम अकेले ही इन दोनों को हरा सकते हो। जो सुनने के बाद जो लव थी वो भी काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन फिर जो वहाँ पे मिलो था वो आता है और अपना मैजिकल स्पेल का यूज़ करता है, और उसी तरफ जो डॉट था वो सोचता है कि क्या मैं इसको हरा भी सकता हूँ। जो लव थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि जो मिलो है वो है तो फर्स्ट ईयर का ही, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इवन वो तो एक प्रोडिजी है। लेकिन तभी एक अचानक से बहुत ही ज़ोर से वार आता है और वो मिलो को जाके लगता है, जिसकी वजह से जो मिलो था वो एकदम दूर जाके गिरता है। सब कोई शॉक था, इवन जो मिलो था वो भी सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, कोई मेरे स्पेल को इतने इंस्टेंटली कैसे तोड़ सकता है। और तभी उसके सामने एक बंदा आता है, मिलो देख के डर जाता है, कहता है कि तुम लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो बंदा था डिवाइन विजनरी रायन एमएस। जो रायन था वो एक डिवाइन विजनरी था और वो एडलेट डॉम से ही था, मतलब मैश के ही डॉम से था, और ऊपर से वो अभी भी एक स्टूडेंट ही था। लेकिन उसी तरफ जो वहाँ पे मिलो था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और वो कहता है कि प्लीज़ मेरा बात को सुनो, मेरा भी एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने इस पूरे चीज़ को ज्वाइन किया है। लेकिन उसी बीच वो रायन को ट्रिक करता है और उसके पीछे से वही स्टोन मॉन्स्टर उसे अटैक कराता है। लेकिन जो रायन था वो वहीं पे खड़ा रहता है और एक ही वार से उस मॉन्स्टर को बीच से अलग कर देता है और कहता है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो ये सब फालतू की चीज़ों से। और उसके बाद वो अपना मैजिकल स्पेल का यूज़ करता है जिसकी वजह से पूरे आसमान से एकदम स्वॉर्ड हैक उसको लगता है, और जो डॉट था वो रियलाइज करता है कि एक डिवाइन विशनरी कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद जो मिलो था वो एकदम चिल्लाता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, तुम मेरा बात को समझो, मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं था, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ये गलती और कभी भी नहीं करने वाला। लेकिन फिर भी जो वहाँ पे रायन था वो उसको बहुत ज़्यादा पीटता और कहता है कि लातों के भूत कभी बहादुर से नहीं मानते, और मैं तुम्हें उतना देर तक मारूंगा जब तक मैं इतना कन्फर्म नहीं हो जाता कि तुम ऐसा गलती फिर से दोबारा नहीं करने वाले। और उसी तरफ जो वहाँ पे रायन था वो डॉट की तरफ देखता और कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। और जो वहाँ पे डॉट था वो कहता है कि वाह हमें यहाँ से निकलना ही होगा, लेकिन ये जो डिवाइन विजनरी है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन तभी जो फिन था वो कहता है कि ब्रदर, और ये सुन के डॉट का और ज़्यादा फट जाता है कि ये डिवाइन विजनरी असल में फिन का भाई है। और फिर जो रायन था वो उस बंदे से सारा इन्फॉर्मेशन ले लेता है और वो वहाँ से चलने लगता है और कहता है कि जो ग्रीजर था उसने तो कहा था कि इनोसेंट जीरो के कुछ एजेंट्स यहाँ पे है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो लोग कहाँ पे है। लेकिन तभी उसके पीछे से आता है मैश, और मैश तो ठहरा मैश, वो बंदा क्रीम पफ खाते खाते आता है। और उसी तरफ जो रायन था वो मैश की तरफ देख के कहता है कि हाँ मुझे मैजिक तो ज़्यादा सेंस नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ प्रेशर जरूर से सेंस हो रहा है। और उसके बाद ही वो मैश को वहाँ पे रोकने को कहता है और कहता है कि देखो मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन मैं जल्दी से अपना इन्वेस्टिगेशन कर लूँगा तुम्हारे ऊपर। और उसी तरफ जो मैश था वो कहता है कि क्या किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन। जो रायन है उसको अभी भी ऐसा लगता है कि जो मैश है वो उन्हीं बदमाश लोगों में से है जिसको कि वो ढूंढने के लिए यहाँ पे आया है, और इसीलिए वो एक क्रिएचर निकालता है जो कि एकदम एक स्पाइडर जैसा दिखता है, लेकिन उसका मेन स्पेशलिटी यही है कि वो किसी भी बंदे का मैजिकल पावर को जज कर सकता है। और उसके बाद जो वहाँ पे स्पाइडर था वो कहता है कि मैंने बहुत लोगों का मैजिकल पावर जज किया है और मेरे से ये चीज़ गलती होगा ही नहीं। और उसके बाद ही जो रायन था वो एकदम मैश की तरफ एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड फेंक के मारता है, लेकिन जो मैश था वो उसको दो उंगली से पिंच करके रोक लेता है और वो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी तुम ये क्या कर रहे हो, पता है ना ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। लेकिन जो रायन था वो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करता है। लेकिन उसी तरफ जो स्पाइडर था उसका फट जाता है और कहता है कि क्या ये कैसे पॉसिबल है, वो बिना कोई मैजिकल पावर के ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और उसके बाद ही जो मैश था वो वहीं पर खड़ा रहता है। लेकिन उसके बाद जो रायन था वो अपने पार्टीशन मैजिक का 3% यूज़ करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्वॉर्ड मैश की तरफ आते हैं। लेकिन जो मैश था वो हर एक स्वॉर्ड को लेता है और उसे एक चेयर बना के उसके ऊपर बैठ जाता है, जो देखने के बाद जो वहाँ पे वो स्पाइडर था वो और ज़्यादा घबरा जाता है। और उसी तरफ जो रायन था वो कहता है कि ये अभी तक कोई अपना मैजिकल पावर का यूज़ तो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि ये इनोसेंट जीरो ग्रुप से ही है, लेकिन फिर भी मैं इसको और एक टेस्ट लेने वाला हूँ। और उसके ऊपर वो यूज़ करता है 10% पार्टीशन, जो सुनते ही जो स्पाइडर था उसका फट जाता है, वो कहता है कि 10% पार्टीशन, इसके बाद तो ये स्टूडेंट बचने ही नहीं वाला।
लेकिन तो अभी जो मैच था वो एक स्वॉर्ड लेता है और बाकी के जितने भी स्वॉर्ड उसकी तरफ आ रहे थे सबको हिट करता है और वहीं पर रोक देता है, जो देखने के बाद वो स्पाइडर का और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है। और उसके बाद ही जो वहाँ पर रायन था वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और फिर मैश कहता है कि मेरा नाम है मैश ब्रूनडेड। और मैश का नाम सुनते ही रायन को हेडमास्टर की बात याद आता है। जो हेडमास्टर है उसने पहले ही रायन को ये बता दिया था कि एक ऐसा यूनिक बच्चा आया है जो कि सब बच्चे से काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो दिल से बहुत ज़्यादा सच्चा है। और उसके बाद रायन कहता है कि अच्छा तो तुम वही लड़के हो। जो मैश था वो तो एकदम कन्फ्यूज था, लेकिन तभी जो रायन था वो उससे माफ़ी मांगता और कहता है कि मैं अपोलोजाइज करता हूँ मेरे रूडनेस की वजह से, तो प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दो। जो सुनने के बाद जो वहाँ पर मैश था वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन तभी रायन उसको एक गिफ्ट देता है जो कि है एक मैजिक हैंडकरचीफ। और ये जो हैंडकरचीफ है इसमें बहुत सारे बनीज बने हुए थे और इससे खासियत ये था कि वो किसी भी वुंड को किसी भी घाव को हील कर सकता था। लेकिन जो मैश था वो तो भाई अलग ही दुनिया में रहता है। वो थैंक यू की जगह पूछता है कि क्या तुम्हें खरगोश काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये सुनते ही जो रायन था वो एकदम गुस्से वाला नज़र देता है उसको, और जो मैश था उसे अपना गलती समझ में आता है और वो एकदम से कहता है कि थैंक यू ये हैंडकरचीफ देने के लिए। और उसके बाद ही जो रायन था वो कहता है कि तुम यहाँ पर केयरफुल रहना, और मुझे लगता है कि तुम अभी एबल के पीछे जा रहे हो, है ना। और ये जो एबल है ये और कोई नहीं बल्कि वही बंदा जो कि मैजिया लूपस का हेड है, सबसे पावरफुल बंदा। और फिर जो वहाँ पे मैश था वो कहता है कि लेकिन आपको कैसे पता, और फिर रायन बताता है कि जो ओल्ड ग्रीजर है उसने मुझे कहा कि तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना है, और ये नेचुरल है कि अगर तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना है तो तुम्हें एबल के अगेंस्ट में लड़ना तो होगा ही, क्योंकि वो इस साल के एक ना एक डिवाइन विजनरी तो बनने ही वाला है। और उसके ऊपर से उसका जो डॉल मैजिक है वो बाकी के स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो बताता है कि देखो तुमने मेरा मैजिकल पावर को अपने बिना कोई मैजिक से रोक तो लिया है, लेकिन अगर तुम्हें उसके साथ लड़के जीतना है तो तुम्हें मैजिकल पावर को यूज़ करना ही होगा। और जो मैश था वो चुपचाप अपना सर हिलाता है। और फिर जो रायन था वो बताता है कि देखो उसके पास सबसे ज़्यादा कॉइन्स भी है, तो अगर तुम उसे हरा देते हो तो तुम्हारा डिवाइन विजनरी बनने का जो सपना है तुम उसके और भी ज़्यादा करीब पहुँच जाने वाले हो। और फिर रायन मैश को थोड़ा मोटिवेट करता है और उसे गुड विशेस देने के बाद वहाँ से चलने लगता है। और सिर्फ जो मैश था वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है और कहता है कि ये बंदा उतना भी ख़राब नहीं है। और फिर जो रायन था उसे फिर से हेडमास्टर के बात याद आता है कि ये जो लड़का है मैश ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है, लेकिन फिर भी ये अपना जो फ्रेंड्स है उसको हमेशा अपने पहले रखता है, इवन अपने गोल्स के पहले भी। इवन जो तुम्हारा भाई है उसको भी इसी बंदे ने बचाया है। और उसी तरफ हमें मैश को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े गेट के सामने जाकर खड़ा रहता है और सोचता है कि क्या यही जगह है जहाँ पर एबल रहता है। और उसके बाद ही वो गेट की तरफ जाता है और वहाँ पर जाकर उसे फिर से वही सेम कन्फ्यूजन होता है कि इसको पुल करना है या पुश करना है, मतलब भाई एक चीज़ तो समझ जाए यार। लेकिन अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है वो उस दरवाजे को एकदम तोड़ के अंदर घुसता है, और अंदर घुसते ही उसे एबल दिखता है। जो एबल था वो मैश की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें किसी गेट के अंदर घुसने के लिए उसको तोड़ना ज़रूरी है। लेकिन जो मैश था वो कहता है कि लेकिन मैं तो बस नॉक कर रहा था इसको। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलता है अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।